दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों बहुत बार ऐसे होता है कि फोन में एक चीज को पकड़ के लोग बैश करते हैं उसे। ये OnePlus 10 Pro है हमारे पास, आज इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, फर्स्ट इंप्रेशन देने वाले हैं, लेकिन पहले भी वीडियोस आ चुके हैं इसके। एंड समवेयर समहाउ मुझे जो भी लोगों ने कहा है इस फोन के बारे में वो इतना ठीक नहीं लगा। बताने वाला हूं सब कुछ, ऑब्वियसली अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन करेंगे, बट माई व्यू ऑफ OnePlus 10 Pro इज स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा अलग है। बताने वाला हूं, पूरा वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों बॉक्स खोलने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर कीजिएगा। यस, बहुत सारे अनबॉक्सिंग आ रहे हैं, नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाएगा। वैसे बॉक्स के पास देखूं तो वैसे ही रेड लंबा बड़ा बॉक्स है एंड इनसाइड ब्लैक, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन। यस, इधर रेड केबल क्लब नहीं है, इधर चाइनीज वेरिएंट होने की वजह से उनका चाइना में जो डॉक्यूमेंटेशन है वही है, देयर इज नथिंग एल्स। ओह, देयर इज समथिंग एल्स। ऑलराइट, आजकल ये नया निकलने लगे, ये जो स्टिकर्स होते हैं जनरली जो फोन पे लगाते हैं वो आजकल इसके ऊपर आ गए। या सो राइट, दिस इज द फोन। बताऊंगा क्यों स्माइल कर रहा हूं, ऐसे ही नहीं कर रहा हूं। ऑलराइट, दिस इज द केस एंड इट इज नॉट द क्लियर केस, और क्लियरली आपको दिख रहा है कि इसका जो कैमरा मॉड्यूल है बहुत बड़ा है। वेरी वेरी फेमिलियर यूएसबी टाइप ए टू यूएसबी टाइप सी केबल, एंड दिस वन इज 80 वॉट सुपर वूक चार्जर। सुपर वूक डैश चार्जर नहीं, वॉर्प चार्जर नहीं, सुपर वूक चार्जर। एंड यू नो व्हाट, ओप्पो के फोन में सुपर वूक आता है, सो दैट इज व्हाट इट इज। सो फर्स्ट इंस्टेंस जहां पे हमें दिख रहा है कि ये ओप्पो का फोन है, उसके बारे में ही बात करने वाला हूं। Alright, let's remove the cover. Design आपने देखा होगा, ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। I like the design. ये जो design है अच्छा है and it is a familiar design. पिछले साल हमने S21 Ultra में या फिर S21 Series में ये design देखा था। तो जो frame के साथ fused है, इसका भी camera module वैसे ही कुछ है। Metal frame है, पीछे glass है, बीच में branding आती है and this is kind of satin finish. जी हाँ, that's the thing. And अगर मैं केस डालता हूँ, केस की क्वालिटी ठीक ठाक कहूंगा, ठीक ठाक बैठता है। गिरा के देखते हैं। Yeah, we have to do that. That's the signature drop of Track and Tech videos. Yes. All right, nothing. All right, nothing. ऐसे कवर के साथ भी अच्छा दिखता है, द कैमरा मॉड्यूल जो है थोड़ा बड़ा है, इट लुक्स क्वाइट गुड। All right, let's remove the cover. Okay, in hand feel जो है ना दोस्तों, it is more like Nord. Nord जब आप हाथ में लेते हो, it is on the lighter side. ऐसे बिल्कुल नहीं लगता है कि इसमें 5000 mAh की बैटरी है। Yes, it gets a step up, 4500 से 5000 mAh की बैटरी हो गई है, बट हाथ में ज्यादा हैवी लगता नहीं है। एंड इवन थिकनेस के मामले में यू नो इट्स नॉट वेरी थिक एज वेल, सो वेरी नाइस इन हैंड फील। एंड इट्स अ टॉल फोन, लंबा फोन लगता है। दोस्तों अगर वेट के बारे में बात करू ना, इट एक्चुअली फील्स लाइट, 200 ग्राम के नीचे, अराउंड 200 ग्राम लग रहा है, बट आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी मोर हैवी। वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है इस फोन का, वो 200 इवन 200 ग्राम का है दोस्तों, एग्जैक्ट। वेरी नाइस, वन प्लस वेल डन विद द वेट। ज्यादा वेट नहीं है, 200 ग्राम है, लेकिन हाथ में दोस्तों इट फील्स एज इफ इट इज 185-190 ग्राम, सो गुड वर्क देयर। वैसे साजिद ने एक कोइंसिडेंस कहा, 200.2 ग्राम वेट है, 2022 डेट है, नहीं 2 बजे हैं अभी, 2 फेब है, वाओ बहुत सारे 22s आ गए हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों 3.5mm जैक नहीं है, इफ यू वर थिंकिंग। इंटरेस्टिंगली ऊपर की तरफ हाँ है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, नीचे सिम कार्ड ट्रे है, जो कि ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू बी डेडिकेटेड हमेशा की तरह। ड्यूल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है दोस्तों, so yeah, that's what it is. Time to start the phone. Beautiful screen, 6.7 inch ki 2K screen hai, wo bhi dosto AMOLED LTPO 2.0, matlab adaptive refresh rate hai, uske bare mein main batane wala hu, to zarur rukiyega. I am impressed with that as well. Gorilla Glass Victus ka protection aata hai, 92.7% screen to body ratio hai, isiliye jo curved screen hone ki wajah se side ke bezels dikhte hi nahi hai, upar aur chin bhi bahut choti hai, so that's why such a great screen to body ratio. Aur brightness ke mamle mein 1300 nits brightness
डिवाइस आता है, सो क्वाइट गुड है। सो टॉप नॉच डिस्प्ले। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। Qualcomm Snapdragon 8th Gen 1 इस प्रोसेसर पे आता है एंड हमारे पास जो वेरिएंट है दैट इज 8256 मिडिल वेरिएंट है। बेस वेरिएंट 8128 का आता है, सबसे ऊपर वाला वेरिएंट 12256 का है। 5000 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी आती है एंड 80 वॉट फास्ट चार्जिंग है। वी हैव नॉट टेस्टेड, अभी आया हुआ है, फर्स्ट इंप्रेशंस दे रहे हैं, बट यस 65 से 80 वॉट चार्जिंग हो गया एंड यस बाय द वे 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। अब दोस्तों मैंने कहा था कि बहुत लोग बैश कर रहे हैं इसे क्योंकि ये जो चाइनीज वेरिएंट है वो कलर ओएस पे आता है। इंडिया में जब आएगा दोस्तों OnePlus 10 Pro इज नॉट गोइंग टू कम ऑन कलर ओएस, वो ऑक्सीजन ओएस पे ही आने वाला है एंड यूनिफाइड ओएस होने वाला था, कलर ओएस एंड ऑक्सीजन ओएस कंबाइन होकर यूनिफाइड ओएस पे आने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं आया हुआ है। खबर ऐसी है कि वो पोस्टपोन होने वाला है। सो डू नॉट गो ऑन द ओएस। बहुत सारे लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा कलर ओएस है, बट दैट इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू कम टू इंडिया, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। लेकिन कलर ओएस के साथ भी दोस्तों जितना भी मैंने इस्तेमाल किया बहुत ही फ्लूइड लगता है, सीरियसली फ्लूइड लगता है। कहीं पे भी ऐसे नहीं लगेगा कि फ्रेम ड्रॉप हो रहा है या थोड़ा स्टटरिंग वगैरह, मक्खन के जैसा स्मूथ है। सो 8th Gen 1 ऑब्वियसली है, UFS 3.1 है, 8GB RAM है, सो एवरीथिंग इज देयर, बट इट शोज ऑन स्क्रीन। वैसे इसका जो अंतुतु स्कोर है दोस्तों दैट कम्स अराउंड 9,48,000, मतलब 9.5 लाख तक आता है, व्हिच इज वेरी रिस्पेक्टेबल। लेकिन एक बात कहूं, इंटरेस्टिंगली हमने Geekbench स्कोर्स भी रन किए, अगर मैं 9RT जिसके अंदर 888 प्रोसेसर है उसके साथ कंपेयर करूं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है Geekbench पे, 100-150-200 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है। सो या एंड गेमिंग अगर आप कर रहे हो तो हाईएस्ट सेटिंग अल्ट्रा हाई अल्ट्रा पे आप खेल पाओगे, सो गेमिंग परफॉर्मेंस वाज एब्सोल्युटली ग्रेट, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। बट हां, Geekbench के स्कोर्स इतने पास कैसे हैं 9RT एंड दिस वन, लिटिल सरप्राइज विद दैट। और गेमिंग जब हम कर रहे थे दोस्तों एक दो चीजें हमने नोटिस की, एक तो हैप्टिक फीडबैक जो है इसका सही में एब्सोल्युटली ग्रेट एंड देयर इज अ प्रो गेमिंग मोड जहां पे सभी कोर्स जो है, सभी 8 कोर्स जो है दोस्तों फुल स्पीड पे आप रन कर पाओगे, सो मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको वो देगा इन दैट प्रो गेमिंग मोड। सो तो यही बताना था, गेमिंग वॉज एब्सोल्युटली ग्रेट। और खेलते समय हमने ईयरफोन्स नहीं डाले हुए थे, स्पीकर आउटपुट हमें देखना था, वाओ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं एक, एंड जो दूसरा स्पीकर है वो आपको ईयर पीस से मिलता है, वेरी गुड ऑडियो क्वालिटी, लाउडनेस भी और क्वालिटी भी। दोस्तों एक चीज अगर अच्छी नहीं है तो मतलब रिलेटिवली मैं कहूंगा, बिकॉज दिस इज अ फ्लैगशिप फोन, आप 60-70 हजार रुपए देने वाले हो, वैसे प्राइसिंग के बारे में बताने वाला हूँ, प्लीज वेट फॉर दैट। उस हिसाब से कैमरास जो है ना, दे आर नॉट ऑल दैट ग्रेट। जी हाँ, हैसलब्लैड ने ट्यून किए हुए हैं एंड द लीगेसी कैरीज फॉरवर्ड, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि OnePlus के कैमरास इंप्रूव होंगे, समवेयर दैट इज डेफिनेटली लैकिंग। जी हाँ, ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, IMX789 का सेंसर आता है सोनी का, जो दूसरा अल्ट्रा वाइड है दैट इज 50 मेगापिक्सल का JN1 सेंसर आता है, और तीसरा जो है टेलीफोटो दैट इज 8 मेगापिक्सल जो आपको 3.3x जूम देता है। प्राइमरी सेंसर जो है अच्छा है, फोटोज वगैरह ठीक ठाक निकलते हैं, बट व्हेन यू मूव टू अल्ट्रा वाइड इवन टेलीफोटो जो सेंसर है दोस्तों, I don't know, somehow it just does not feel real flagship camera setup. I don't know why, मैं वैसे samples आपको दिखा रहा हूँ। अब इंडिया में आएगा तो उसकी जो post processing होगी, tuning थोड़ी अलग होगी, we will do that unboxing, उसका full review भी करने वाले हैं, तो उसके लिए जरूर रुकिएगा। But at this point of time, जितने भी photos हमने खींचे हैं normal conditions में, सिर्फ primary sensor मुझे अच्छा लगा, ultra wide and जो telephoto है, so that Hasselblad tuning has not made much of a difference. एक बात अच्छी है दोस्तों, लेकिन कि इनके जो flagship है, 9 Pro के पास भी देखोगे, 8 Pro देखोगे, तो उसमें सेल्फी सेंसर 16 मेगापिक्सल का होता था, दिस वन इज 32 मेगापिक्सल, सो दैट इज नाइस, सेल्फी के पिक्चर्स अच्छे आते हैं। वैसे एक अच्छी चीज है दोस्तों, जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको OIS देता है। वीडियो के मामले में बात करूं तो 8K 24 FPS शूट कर पाओगे, सो 8K इज देयर, 4K 120 FPS आप शूट कर पाओगे, सो दैट इज आल्सो गुड। वन थिंग दैट इज नॉट गुड, आगे 32 मेगापिक्सल का सेंसर दिया हुआ है फिर भी 1080p। जी हाँ, 4K उधर देना चाहिए था, आई एम नॉट श्योर वाई, बट सिर्फ 1080p पे कैप्ड है। सो क्या वैसे एक फीचर है दोस्तों, सुपर अल्ट्रा वाइड जो भी आप कहिए, जहां पे 150 डिग्री FOV मिलता है, फिश आई। जी हाँ, बट दैट फिश आई जो है, आई मीन कितने लोग उसे इस्तेमाल करेंगे, इज इट यूजफुल, आई रियली डोंट नो, आप बताइए नीचे कमेंट्स में आपको क्या लगता है, बट फॉर मी दैट इज मोर ऑफ अ गिमिक। वैसे आप स्क्रीन पे सैंपल्स देख ही रहे हो दोस्तों, आपको ये फोटोज कैसे लगे जरूर बताएगा, डू यू अग्री विथ मी दोस्तों। और बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं, सभी है, मतलब कनेक्टिविटी ऑप्शन सभी है, वाईफाई 6 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.2 है, 5G तो है ही, बट कितने बैंड है, बिकॉज चाइनीज वेरियंट है पता नहीं, बट इंडिया में आ जाएगा तो शायद 10 के ऊपर तो एटलीस्ट होने चाहिए मेरे हिसाब से। सेंसर सभी आते हैं,
इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क्स वेरी वेल, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, एंड यस आईपी सर्टिफिकेशन जो चाइनीज वेरिएंट है उसमें नहीं है, बट शायद इंडियन वेरिएंट जब आ जाएगा तो देयर विल बी अ आईपी सर्टिफिकेशन, एटलीस्ट आई एम होपिंग। फाइनली प्राइस के बारे में बात करते हैं। चाइनीज जो प्राइस है दोस्तों, बेस वेरिएंट 8128 की 4699 yuan, कन्वर्ट करते हो दैट इज अबाउट 53-54,000 रुपीज। 8256 जो है वो 4999 yuan है, इसका मतलब 57-58, और सबसे ऊपर वाला जो वेरिएंट है दैट इज 5299, तो अबाउट 60-61-62,000 रुपीज। इंडिया में ये जब आएगा ना दोस्तों, आई टेल यू व्हाट, इट विल नॉट कम बिलो 60,000, 65-70, उस प्राइस रेंज में OnePlus 10 Pro आपको मिलने वाला है, एंड इट इज डिफिकल्ट उस प्राइस रेंज में आपको ये रिकमेंड करना, एटलीस्ट अगेन दिस आर माय फर्स्ट इंप्रेशंस, फुल रिव्यू के लिए जरूर रुकिएगा, बट इसकी प्राइस अगर 60,000 के ऊपर होगी, इट विल बी अ आई डोंट नो व्हाट टू से, I will not recommend. There will be other really, really, really good options. तो हाँ, फोन अच्छा है, अच्छे प्राइस पे आना चाहिए, एंड ऑक्सीजन ओएस पे आने वाला है, तो कलर ओएस के बारे में मैंने बात नहीं की है ज्यादा। डिस्प्ले टॉप ऑफ द लाइन, इवन AOD दोस्तों 1 Hz पे चलता है, सो जो LTPO 2.0 है ना, दैट रियली works, एंड इट शोज। पहले जैसे था कि भाई अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो कंटिन्यूअसली 120 Hz पे होता था, बट नहीं, सो इट इज वेरी बैटरी एफिशिएंट ये जो डिस्प्ले है। सो ओवरऑल बहुत सारी अच्छी चीजें हैं इसके अंदर, बट फाइनली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू प्राइस, दैट्स व्हाट इट इज, OnePlus 10 Pro। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।